अब देखो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 12, रेखीय प्रोग्रामन। या क्या बात है, इस चैप्टर में से पक्का आपका 6 नंबर का आना ही आना, ठीक है? तो पढ़ने में फायदा इस चैप्टर को बढ़िया करके। अब इसमें 6 नंबर का कहना तो 6 नंबर का सिंपल सी बात है, जरा सा तो आने से रहा, एक ही सवाल आओगे, आ होगा बढ़िया, और 6 नंबर का पक्का आना, ठीक है? हर बार आता है तो इस जरा तमीज से समझियो आज, ठीक है भाई? उठ जा नींद से। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें इन हम सो ये जो आपके दो रेखा बोल देंगे, और उसमें से बोल देगा कि आपको इनका मतलब एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या हल करनी है, ठीक है? और हल करनी पड़ेगी आलेखीय विधि से। अब समझ लो आलेख क्या हो, जो ग्राफ हो ना ग्राफ। ए मैडम यहाँ देख लो, ग्राफ तो पता ही होगा। तो अभी तुम बोर्ड पर बना रहे, अभी अपने कॉपी बनाओगे, जब बोर्ड के एग्जाम में जाओगे आपको बाकायदा आपको ले ग्राफ आएगा, ठीक है? मांग लियो, कभी मानोगे नहीं हमें नहीं चाहिए तो ग्राफ में ही करने होंगे, ये कॉपी में नहीं करने, ठीक है? और स्केल तो होगा नहीं अभी तुम्हारे पास, तो इस स्केल की जरूरत पड़ेगी कि इसमें फिट भी तो खींचनी तुम्हारे, ठीक है? अब देखो इसमें, चलो कोई नहीं, ए यहाँ देख लो, इसमें आपको ऐसे बोल देगा कि आपको आलेख खींचना, आलेख का मतलब वही ग्राफ खींच का कुछ रेखीय प्रोग्रामन है उन्हें आपको सोल्व करना। पहले उससे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? कॉन्सेप्ट में क्या चलेंगे पहला कुछ, वैसे इसके जो पहले की जो इसमें अंदर यूज होंगे टर्म जो पहले समझा रही हूँ। अब जैसा यह बैठी अपनी, क्या नाम है भाई तेरा? या सिमरन बैठी यहाँ सी, ठीक है? और यहाँ तक चली गई या किसके पास? खुशी के पास, ठीक है? अब खुशी के पास, इसका मतलब एक ये क्या था बिंदु, और दूसरा भी क्या हो गया बिंदु, ठीक है? इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, मिला दिया। तो जब दो हम बिंदुओं को मिला देंगे वो क्या बन जाएगी अपनी रेखा बन जाएगी, ठीक है? अब मैं कहने लगी इस वाले बिंदुओं के कुछ मान होंगे, मान क्या होंगे? जैसा ऐसे हैं इसके जो मतलब इसके निर्देशांक होंगे वे होंगे 3.5, मैंने मान लिया खुद। कितने हैं बैठो, कितने हैं भाई इसके? 3.5। चलो अब जो अपनी के बिंदु है उसके भी कुछ मान होंगे, मान लिया इसके मान है 7.3, कितने हैं? और हम सभी जानते हैं अगर कोई बिंदु हो, ये जो पहले वाला मान हो कोमा सा पहले वाला, ये किसका मान हो? एक्स का, और कोमा के बाद वाला वाई का, यही मान हो। अच्छा इसमें एक्स का मान कितना, और दूसरे वाला ये किसका मान है? वाई का, ठीक है? और अगर मैं कहने लगी भाई आपको यहाँ पर इसका मान है 3.0, इसका मतलब इसमें वाई का मान कितना और एक्स का 3 ही होगा, ठीक है? और इसमें मैं कहने लगी आपको इसमें एक्स का मान तो है 0 और वाई का मान है इसमें 7। अब इसमें से अगर कहीं ऐसा था 3.0, अब देखो ना हम ग्राफ पर दर्शाएंगे कैसे, ठीक है? यो अपना क्या किया, प्यारा प्यारा ग्राफ अभी तो बना भी नहीं है, तो यो कौन सा एक्स है अपना? ये वाला ऊपर एक बात हमेशा, अच्छा नहीं बताओ, चलो इस पर भी मानंकित करते हैं। यहाँ कितना होगा एक, यहाँ कितना होगा पहला, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? खुशी देखते रहे वीडियो मारा है नहीं, 4, 5। चलो हम ना ऐसे ही कर लें, अभी ग्राफ में तो आपको बिल्कुल लोकेट करके मिलेगा सब चीज, अब उसमें खींचनी पड़ेगी इसके ना, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ हम, चलो पहले ये वाला 3.5 है, इसका ग्राफ में देखेंगे कहाँ सी इसकी स्थिति कहाँ सी। नु बताओ एक्स का मान कितना है इसमें, 3 है, और वाई का मान कितना? तो पहले एक्स का मान 3 है, मतलब एक्स का मान यहाँ मिलेगा, तो एक्स का मान जब हम इसमें चलेंगे 3 कहाँ सी, ये रहा इसका मतलब एक तो ये रहा, और वाई का मान कितना अपना क्या ऊपर ऊपर यही मिलेगा, वाई का मान कितना अपना 5, मतलब 5 यहाँ मिलेगा, मिल गया। इसका मतलब एक्स का मान तो यहाँ सी और वाई का मान यहाँ सी, तो कोई बच्चा ऐसा तो कर रहेगा नहीं कि एक मान यहाँ रख दिया और एक मान यहाँ रख दिया, तो जो इसका बिंदु मिलेगा ना मिलाने वाला जो बिंदु, वो अपने दिमाग में काल्पनिक तरीके से 3 ऊपर लेकर जाओ, ले गए, और 5 यहाँ सी, मतलब हल्की हल्की डोटेड कर दूँ पहला, दिख गया यो? तो जो यहाँ वाला बिंदु बनेगा यो कौन सा बिंदु अपना 3.5। अब समझ में आया कैसा आया यो? अब मैं कहने लगी आपको ये तो 3.5 है, चलो दूसरे वाला भी करेंगे, 7.3 है, तो इसमें एक्स का मान कितना 7, यहाँ तो अभी तो 6 है, 7, 8। अब मुझे बताओ एक्स का मान कितना अपना 7, इसका मतलब 7 कहाँ सी, यहाँ सी, और दूसरी बार क्या लिखा हुआ इसके साथ 3। अब 3 भी ढूंढ लगे कहाँ सी, बताओ 3 कहाँ सी इसमें वाई का मान, वाई में 3 यहाँ सी, तो कोई ऐसा मत कर दियो कि यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है? वह रेखा बनेगी, अभी हमें सिर्फ क्या देखना बिंदु, अभी तक हम रेखा की बात नहीं चली, क्या चल रहा अपना बिंदु, बस हमें बिंदु ढूंढने हैं कि हम ये वाला बिंदु ग्राफ में कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है? बिंदु बिंदु क्या चल रही,
कोई बड़ी बात नहीं है, सात ये रहा और कहां तीन ये रहा, तो सात सा कैसे लेंगे ऊपर और तीन के पास जाकर क्या गए हम रुक, यू एस की सीध बनी और यू एस की सीध में, तो मतलब यहाँ एक्स का मान कितना अपना और तीन वाई का मान तीन, ठीक है। चलो मैं अपनी तरफ से मैं आपको कह रही हूँ यहाँ इसमें पांच कोमा जीरो ये है, पांच कोमा जीरो मुझे बता दो ये बिंदु कहाँ बैठा जाएगा, पांच कोमा जीरो पांच पे कौन से वाले पांच पर एक्स एक्स पर चलेंगे, यहाँ पर एक्स का मान कितना पांच, अब वाई का मान बताओ कितना इसमें जीरो, तो इसका मतलब जब वाई का मान जीरो तो इस वाले पर अब वाई का मान ऊपर तो नहीं चलने सर, तो बस यहीं से क्या होगा इसका मान, यहाँ से जो ये वाला ये कितना बिंदु पांच कोमा जीरो, ठीक है। अब मैं आपको कहने की छोटे सवाल पास चलेंगे, इस पर ही होता जीरो कोमा सात, तो इसका मतलब है इस, अच्छा ना बताओ हमें से एक बात याद सब वही बताओ, इस वाली लाइन पर किसका मान जीरो हो वाई का, इस वाली लाइन पर किसका मान जीरो एक्स का, बस यही तो बात हो। अब जब इस वाली पर एक्स का मान जीरो होगा मतलब एक्स का मान तो कितना अपना जीरो, तो वाई का मान कितना होगा यहाँ से, वाई का मान सात है नहीं छः और सात, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी, यहाँ ये वाला बिंदु जीरो कोमा सात, बिंदु तो आ गए सब पढ़ने सब पे, ठीक है चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है बिंदु ही तो कर लगे। अब मैं आपको कहने लगी एक रेखा, और रेखा के आपको एक रेखा की समीकरण दे रखी, ठीक है समीकरण कैसे दी जाए आपको, इसमें रेखा की समीकरण कुछ इस तरीके से होगी 2x प्लस के जैसा y बराबर कितना होगा सात, या एक समीकरण है या एक रेखा की समीकरण है, जैसे हमने 11 चैप्टर में समीकरण निकाल ली थी उसी तरीके का समीकरण है, या नॉर्मल समीकरण है। अब वो क्या इसके हमें बिंदु निकालने, क्या निकालने बिंदु, तो बिंदु कैसे निकाल लेंगे अभी तक हम एक मतलब कि बिंदु कुछ इस तरीके से निकाल, जैसे पाँच कोमा जीरो सात कोमा तीन इस तरीके से छोटे छोटे करके दो बिंदु निकालने, तो हम इसके लिए बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली बार तो इसमें पुट x बराबर जीरो रख दो, तो जब आप इसमें x बराबर जीरो रखोगे मैं बताओ यहाँ कितना हो गया दो गुना जीरो प्लस के y बराबर सात, इसका मतलब है यहाँ तो y बराबर कितना हो गया सात, एक बिंदु बना सकते हो कैसे बनाओगे, अब देखो पहले हम किसका मान लिखते हैं x का मान कितना अपना जीरो और y का मान कितना भाई सात, तो एक बिंदु कितना आ गया अपना जीरो का मान सात, अब हम एक ही तो बिंदु निकला, अब हम दूसरा बिंदु निकाल लेंगे, देखो एक मिनट पुट, अब किसे जीरो रखेंगे y को, जब आप y को जीरो रखोगे भाई तो दो गुना दो एक्स तो बिल्कुल सेम और y का मान कितना हो गया जीरो बराबर सात, तो दो एक्स बराबर सात, तो x का मान बोल लो कितना आ गया सात बटा दो, अब यहाँ से जो दूसरा बिंदु निकलेगा वो बोल लो कितना सात बटा दो फिर कोमा जीरो, पॉइंट निकाल लोगे, और आपको पता दो बिंदु से मिलकर क्या बनती है अपनी रेखा, भाई दो बिंदु से मिलकर क्या बनी थी रेखा, इसका मतलब या जो हमारी रेखा की समीकरण है या कोई रेखा पर जा रही होगी, और वो हम ग्राफ में देखना कहाँ से जा रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब भाई पहले एक मिनट यहाँ हटा दूंगी कि अनावश्यक तत्व देख वो तेरे भाई बंदो बजवा देख ले जाएगा नुगा वजन दो मुझे गया पता कैसे कैसे बच्चे इसमें का ए है जीरो कोमा सात है, पहला चलो ए और बी को ना, यो आपका ग्राफ है क्या होगा मैडम जी, अच्छा तो यहाँ का बैठना यहाँ से देख इसी के सिर हो गया अभी खुशी के, यहाँ ऐसा रखे दूर नहीं जाना चाहिए। अब भाई हमें क्या दिखानी है दोनों बिंदु ग्राफ में, अगे छोड़ दूँ बस ग्राफ में दिखाओगे सभी है ना, तो जब आप ग्राफ में दिखाओगे ए है ए का मान जीरो कोमा सात है, अब मुझे बता दो एक्स का मान जीरो कौन सी लाइन पर हो वाई पर, इसका मतलब तुम्हें बताया ऊपर तो अप्लाई करेगा, अब ए वाई का मान सात है तो मतलब यह बिंदु यहाँ बैठी होगी कहीं, तो यहाँ कितना हुआ जीरो कोमा सात, यहीं तो बैठा हुआ बिंदु। अब यह दूसरा वाला बिंदु बी का बी जो दूसरा बिंदु बी अपना सात, एक्स का मान कितना सात बटा दो, तुम्हारी भाषा में क्या बोल रहा है साढ़े सात, तो साढ़े सात किसके बाद हो सात के बाद ही होगा सात, तो पहले होगा सात के बाद ही होगा भाई, तो उन्होंने बताओ सात कहाँ से ये रहा और आठ ये रहे, तो इसके बीच में कितना होगा भाई अपना, अच्छा साढ़े तीन भी हो सका साढ़े तीन भी होगा, तो जब आप इसे साढ़े तीन करोगे साढ़े तीन साढ़े तीन तो साढ़े तीन का अप्लाई करेगा देखो यही से करेगा तीन पॉइंट पांच कोमा जीरो, इसका पॉइंट का नाम कितना था अपना बी, और तो वही नहीं जा रहेगा यो किस में वाई का मान कितना इस वाले इस बिंदु में वाई का मान कितना जीरो, अब मुझे तो दो बिंदु को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाओगे आपकी रेखा, चलो मिला होगे मिला भी देवेंगे भाई देखो मेरी हाथ वैसी मिल गए इतने मिली तिरछी गई थर तो सही गई ठीक है ए मिलगा देगा
आँख खोल कर देखें, यो 7:30 देखें इसी 3:30 देखो वहीं सी, ठीक है। इसके ऐसा करोगे सही आवेगा। मैं इतनी बड़ी सही ज्ञाता नहीं हूँ जो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन खींचूंगी। कर दिया, अब मुझे ना बता दो ये वाली रेखा बन गई एक रेखा। अब इस रेखा को नाम देंगे, तो जो है रेखा जो हमने कौन सी समीकरण थी, तो बस इसके ऊपर लिख देना या क्या लिखेंगे 2x प्लस के वाई बराबर 7, या अपनी कौन सी होगी रेखा, बस इसी तरीके से रेखा बनेगी क्या। अच्छा दसवीं वाली, तो बस वही है और अलग चलाओगे तुम्हारे लिए। रेखा प्रदर्शित करनी आएगी, दिखा दोगे एक बिंदु उसके दो मान निकाल दो। हाँ ग्राफीय विधि तो आती थी 30 चैप्टर में थी। हाँ ग्राफीय विधि, हाँ विलोपन विधि भी यूज होगी। अब देखो, अब मैं कह लेंगे एक रेखा तो चले आ जा रही, चलो एक रेखा और आवेगी, हाँ एक रेखा और लेंगे, तो दूसरी रेखा अपनी उसका समीकरण मान लो भाई, क्या मान लो बताओ। उसका समीकरण मान लेंगे एक्स प्लस के वाई बराबर 10 नहीं कम सा मान लू, 5 मान लू बस, ग्राफ बड़ा कभी ना बात के। एक्स प्लस के वाई बराबर 10 ठीक, 5 ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इसके भी हमें दो बिंदु निकालने हैं, चलो इसके बिंदु निकाल लेंगे। तो भाई पहली बार आप क्या रखोगे, एक्स बराबर 0, तो वाई का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ से एक बिंदु निकलगा अपना सी, क्या निकला बोल लो 0.5। अब दूसरी बार आप क्या निकाल लोगे, पुट वाई बराबर जो एक और बिंदु निकालना, तो इसके लिए भाई आप जब इसमें 0 रखोगे एक्स का मान कितना आ गया अपना, एक्स का मान 5 नहीं आएगा क्या भाई, बब्बो एक करना करा पढ़ला, एक्स का मान बोल लो कितना है यहाँ से 5.0, तो दो बिंदु फिर से निकल गए। चलो इस वाली रेखा को भी उठाकर ग्राफ के साथ चलते हैं। सी है जो हमारा सी बिंदु 0.5 है, तो मुझे बता दो 0.5 आपको कहाँ मिलेगा, इस वाली लाइन में मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा, ये रहा 5, तो इसका नाम सी 0.5। अब जो दूसरे वाली डी वो कितनी है अपना 5 क्यों है, तो एक्स के साथ मिला और कहाँ मिलता, ये रहा, तो ये कितना अपना डी 5.0 मिला देंगे सर। चलो आपका फिर तिरछी सी लाइन खींचेंगे, सीधी चल जाइए, अरे ठीक है ये थोड़ी सी अपेंडिस होगी इसकी, सलोने की तरह हो जा रही है, सलोने की तरह ना सब इसमें मोड़ है। तो यहाँ भाई अच्छे से नाम भी लिखेंगे, तो नाम लिखा हमने एक्स प्लस के वाई बराबर 5, नाम लिख दिया। दोनों हमारे पास क्या थी, देखा होगी समीकरण थी, हमने के बिंदु निकाल कर ना ग्राफ में दिखा दी, इतनी बकवास तो कर दी। अब पता क्या कह रहा है, चलो अब मुझे ना बता दो ये रेखा भाई कहीं आपस में मिल भी रही होगी, मिल रही ना। अब सभी को पता अगर दो रेखा आपस में मिल रही हो, अब कहाँ मिल रही, चलो देखेंगे कहाँ मिल रही, यहाँ तो नहीं मिल रही या यहाँ वो मिल रही, ये तुम्हें तो पता यहाँ से मिल रही, ये तो अच्छे बताओ, ये तो मैंने अपने हिसाब से ऐसा कर रखी सी थी, क्या पता तिरछी मिर्ची सी होगी, है ना। पर जब तुम स्केल से खींचोगे बिल्कुल सही आओगी, ठीक है, स्केल से बिल्कुल एक्यूरेट आओगी। बट अभी तुम्हें इसका यहाँ प्रति जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु उसे बोलते हैं, जहाँ एक दूसरे को काट रही है वो वाला बिंदु निकालना, कौन सा बिंदु यो, कौन सा बिंदु यो, प्रतिच्छेदन बिंदु। चलो अब हम इसे प्रतिच्छेदन बिंदु को निकाल लेंगे भाई। तो भाई जब हम अपना प्रतिच्छेदन बिंदु वो कैसे निकाल लोगे, देखो एक समीकरण कौन सी थी अपनी, या वाली, ठीक है, एक पहली समीकरण या थी, दूसरी समीकरण कौन सी थी, या वाली। अब मुझे ना बता दो, दो बिंदु आप इसमें काट रही हो, तो उसका प्रतिच्छेदन बिंदु या तो प्रतिस्थापन विधि से निकाल लो, विलोपन सबसे आसान कौन सी लगा, अच्छा तुम्हें विलोपन, बस उसी का इशारा ले लो, ज़्यादा नहीं घूमते हैं नहीं, जो जो आसान लगा ना बस उसी रास्ते पर चल लो, पर रास्ता आसान भी हो वो जरूरी तो नहीं वो सही होगा, है नहीं, गलत भी हो जा। आपके पास दो क्या है, दो समीकरण है आपके पास। अब आपको यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना, वो सिंपल है, क्या करोगे, इसका सामना कितना एक, तो यहाँ तो गुणा कर दी एक सा, यहाँ गुणा किस कर दी दो सा, तो जब आप हाँ वाई वाई से भी हो जाओ कर ले, तो वाई वाई तक कर लेना, तो यहाँ प्लस है, यहाँ कितना होगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, तो वाई वाई कटगा, दो एक्स में से एक एक्स घटा दो, एक्स का मान कितना आ गया 7 में 5 गया 2, एक्स का मान कितना आ गया 2, अब मान किसका निकालना वाई का, तो जब आप इस वाले समीकरण में रख लो, तो जब आप वाई का मान निकाल लोगे 5 - kx, तो वाई का मान कितना आ गया 5 में से 2 गया 3। अब मुझे बता दो यहाँ से एक बिंदु और निकला होगा, उस बिंदु को ई मान लिया, कह रहे बिंदु बिंदु निकल ले, इसमें और कुछ निकल भी रहा, तो ई का मान कितना हो गया, एक्स का मान 2.3, इसका मतलब है जो यो वाला बिंदु वो कितना होगा अपना 2.3। अब देखो वो तो करें मेरी थोड़ी ड्राइंग तिरछी मिर्ची भाग गई थी, नहीं तो यो ऊपर को ही नहीं जाता,
वो थोड़ा साइन आल वो जो कलाकार ना, थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गई थी कलाकारी कलाकार नहीं क्या कहो। अच्छा कलाकार का फीमेल क्या होगा? कलाकार नहीं चला नहीं, आर्टिस्ट आर्टिस्ट। ठीक है, तो मेरा हाथ ज्यादा तिरछे मिर्चे चले गए थे, तो वो तो चले गए, चलो छोड़ दो। तो आप समझ गए भाई, दो बिंदु मिलाकर क्या बनेगी अपनी रेखा। उस रेखा को आपने किस पर दिखा दिया? ग्राफ पर। और वे बिंदु आपको बिंदु नहीं दे रखे हैं, ऐसी गलती नहीं कर देगा वो, आपको समीकरण देगा सीधी। क्या देगा? और अरे यहाँ तो चलो यहाँ तक भी सही था, वो पता कितना बदतमीज है, वहाँ समीकरण नहीं देता। आपके जो सवाल चलेंगे ना उनमें आपको कुछ इस तरीके का साइन देगा, जैसा कि 2x + k कौन सी है वाई बराबर, आप मैंने तो कहा है 7 है, वो यो नहीं कह रहेगा। या क्या है समय समीकरण, कौन सा फॉर्म है वो? समीकरण। वाई बराबर लगा इसमें, जहाँ बराबर लगा उसमें क्या बोलते हैं? समीकरण। और वो पता है कितना खतरनाक है, वो कुछ इस तरीके से दे देगा, जैसे 2x + k वाई नू कंटीज का मुंह में आर का साथ दे दिया, ये जो चिड़िया सा का मुंह ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दे दिया। लो देखो, अगर इतना हुआ इसका मतलब है यो 2x + k वाई जो है यो 7 से छोटा, या बोल दो 7 इससे बड़ा। ठीक है, जिसके तरफ को भी मुंह ऐसा बायरा होगा ना, जैसा यो है तो नहीं, इसके ऐसा कर दू बाबा यार, मैं अपनी तरफ ही करूँ, मैं बड़ी था मेरा कहने का मतलब है अगर मैं ऐसा करूंगी तो भाई क्या मतलब हो रहा है यो बड़ा, इसका समझ लो भी मेरा हाथ ऐसे मैं कर नहीं सकती रजनीकांत तो हूँ नहीं, मैं ऐसा कर लूंगी तो 2x + k भाई ऐसा मुंह करा मतलब 7 बड़ा, समझ गए होगे। चलो अब मैं आपको कहने लगी यो कितना 5, और यो बड़ा है यो बड़ा 7, या बात तो सच हो रही है। अगर यो 5 बड़ा है 7 बड़ा, आप क्या कहोगे इसमें कौन बड़ा? 7 बड़ा। तो यह बात सच है झूठ है? तो सच को हम क्या बोलते हैं? सत्य। ठीक है, अब मैं सत्य, अब मैं कहने लगी जो भी कंडीशन फॉलो हो रही थी या मूसा इसकी तरफ बह रहा था ना, वो वाली कंडीशन आ गई। मैंने यहाँ लिख दिया, समझ लो यहाँ लिख दिया मैंने 11, और इधर को मुंह कर दिया इसका 7, 11 और इधर को मुंह कर दिया इसका 7, इसका मतलब बात गलत है। तो मुझे पता दिल दबाज आ रही होगी, यह बात क्या है? असत्य। बस इतनी नॉर्मल सी बात है, यूज होगी अभी तो, जो इस तरीके से मुंह आ जाए और उसके नीचे चलो इतना भी ठीक ही था, यो बड़ा था छोटा था, अभी वो भी कह रहा यो ऐसा साइन लग जा, इसा बोलते हैं हम। देखो ग्रेटर देन हो गया इज इक्वल टू, मतलब नीचे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरीके का यहाँ तक क्या दिया? समीकरण। अब पता है क्या बन गई? या बन गई असमीका, इसका अलग स्पेशल नाम हो उसका बोलते हैं हम असमीका। ठीक है, थारे थाना कोई बच्चा पैदा उसका नाम रखता तू असमीका आ जाता। ठीक है, जैसा इसके पैदा होंगे ना तो ये रखा कि तू असमीका, समीकरण ना रखे लड़का हुआ तो समीकरण, लड़की भी लड़की भी तो क्या रखोगे आप? गर्दा बाहर निकाल दोगे तुझे। ठीक है, अब हाँ लड़का हुआ तो उसका भाई नाम रखना आपको समीकरण, लड़की भी तो क्या रखोगे? असमीका। तो नाम अच्छा है असमीका, चलो एक और नाम रखते हैं हम इसका। अब दूसरे वाली समीकरण है जैसे कि x + k भाई इसका मुंह इंगे को बाहर गया, मुंह का मतलब है चिड़िया का मुंह किधर खुल गया होगा? इसकी तरफ को, तो कुछ भी हो सका, यहाँ कुछ भी हो जाए, अभी इसका मुंह इधर था इस समय, या क्या इस कौन से क्या है वो बोलेंगे सा? ऐसे मीका, लड़की वाला नाम बोल लो ऐसे मीका, तू भी लड़की वाला नाम बोल। ठीक है भाई, नींद से उठ जा, क्या बोल लोगे आप इसा? अरिसा क्या बोल लोगे? समीकरण। बस नॉर्मली सी बात है। ठीक है, अभी इतना ही कर लो, कभी ऐसे मीका उसे मीका थोड़ी देर में सारी उठ गई। ठीक है, अब एक मिनट चलो अपना कोई एक 11.1 थोड़ा सा पढ़ो, सॉरी 12.1, वो 11.1 का दिमाग में चल रहा था भाई यार, यो मैं दिन लाया ले पकड़। उसमें देखो आपको कुछ ऐसे मीज वासी दे रखी होगी? हाँ, दे रखी ना, तो कितनी खतरनाक लग रही है देख का। है ना, उन्हें देख का सारा भी हार्ट अटैक होगा, देख रहे। और उसमें बोल रखा आपको, और देखो ये भी बोल रखा, देखिए प्रोग्रामिंग की सहायता से आपको हल भी करना करना है ना हल। ठीक है, और उसमें नीचे एक और चीज दे रखी, देखो क्या दे रखी वा नीचा देखो। हाँ, जैसा कुछ भी दे रखा आपको, फिर उसके नीचे जेड बराबर भी दे रखा होगा आपको, कुछ दे रखा ना जेड बराबर दे रखा, फिर उसका बोल रखा उसका आपको न्यूनतम मान या अधिकतम मान कुछ इस तरीके से मान निकालने होंगे। ठीक है, अधिकतम निकाल पहले अच्छा इतना नोट करो, फिर बोर्ड भी तो जरा सही हो। चलो ये देखो इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 2, पहले मतलब एक ही समीकरण है वो तो लिखी है, पहले
पहला दूसरा सवाल समझो इसका। आपको दे रखा कुछ अवरोध दे रखे हैं, ठीक है, अवरोध मतलब ये सेमीकाएं दे रखी और उसके अंतर्गत जो ये देखो ओ भाई यो दे रखा ना जेड बराबर माइनस के तीन प्लस के चार वाई, इसे बोलते हैं उद्देश्य फलन, ठीक है। इस काम जो जेड बराबर ऐसा लिख रखा ना, जो जेड बराबर कुछ भी लिख रखा होगा, इसे हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। इसका हम अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इसका कमी मतलब रखो, जितना फालतू दौड़ोगे उतना सही है, सवाल को कुछ हलवा ही देख लो। उसमें दे रखा आपको क्या समान निकालना, न्यूनतम। अच्छा होता पांच बड़ा है ग्यारह बड़ा, तो ग्यारह कैसे मान हुआ अधिकतम और पांच कैसे मान हुआ, बस यही मान है, यो नकारा यो फलन है, इसके कुछ मान निकलेंगे बताना, बस ज्यादा कम कौन सा बता दोगे सब, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर इसमें कुछ आपको नीचे में खतरनाक वाली ऐसे मी का दे रखी, जैसा इसका सेट्टी का खतरनाक वाला मुंह था ना, जैसा ये आज अभी एंट्री कर का तो आपको क्या दे रखी है वो देखो यहाँ से। एक तो आपको दे रखी एक्स प्लस के टू वाई, फिर जो खतरनाक सा सेट्टी, फिर आठ, ठीक है। फिर आपको दे रखा थ्री एक्स प्लस के टू वाई, फिर यही अब यो इधर को। तो अब हम बताया देखो, या आपको चार दे दिए, या आपको क्या दे रखे है इस समय, ये आपको एसएमई का दे रखी, क्या दे रखी, ठीक है। अब सेट्टी कहना बंद कर दो, सेट्टी को नहीं तो गुस्सा आ सकता है। अब इन्हें लक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे, मतलब समीकरण बनाना चाह रहे, या सुंदर सी ना। तो अब ये क्या एसएमई का, ठीक है, तो एसएमई का खतरनाक ही हो, ये देखने से ही तुम्हें खतरनाक लग रही है, बस कुछ नहीं कर। अरे हाँ, इस सवाल को जो भी ये सवाल हो गए हम बारहवें चैप्टर के, इस आप स्टेप बाई स्टेप करते चलोगे, ठीक है, छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। अब रोटी उसे एकदम से खाने की कोशिश करोगे, एकदम से ज़्यादातर रहीन बाइट बाइट करके खाओगे, बस इसलिए छोटे छोटे चरण में करते हुए चलेंगे। तेरे जैसा तो उसमें पूरे में ही चल सारी बारीक में एक में रोल हो जा, रोल किया तूने, रोल भी तो थोड़ा थोड़ा ही करके खाओगे, थोड़ी सब रोल को पूरे हुई उसे इंसान नहीं, सर राक्षस बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखो बस कुछ नहीं, सबसे पहला मैं कुछ नहीं बताऊँ, ये क्या दे रखी इस समय असमिका के रूप में, असमिका को समीकरण में बदलनी, बस कुछ नहीं करना, जहाँ ये कांटे से खतरनाक वाले मुँह ना उन्हें लक्ष्मी वाले समी बराबर के रूप में बदलने, बस इतना सा करना। तो ये पहला स्टेप हो अपना, कितना स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखियो बिल्कुल, डोंट वरी, ऐसे ही करते हुए चलोगे आप, क्यों इसका क्या होगा, आपकी गलती होने की संभावना ही कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, जो आपको दी हुई असमिका, ये क्या दे रखी आपको, दी हुई मात्रा हटा दू, क्या ये असमिका, उसको आप किस में बदलोगे, असमिका को किस में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, नॉर्मल लैंग्वेज आया तो। अब जब इस समीकरण में बदलो क्या होगी समीकरण इसकी, बोलो ये तो x प्लस के टू वाई बराबर करगा कितना, आठ, बस दूसरी कितनी थ्री एक्स प्लस के टू वाई बराबर कितना, बारह, तीसरी क्या x बराबर जीरो, चौथी क्या y बराबर चार, y बराबर जीरो, इंदर डरियो ना y बराबर जीरो यो कुछ नहीं मैटर नहीं करता, ठीक है, वैसे ही है। अब मुझे बताओ यो कितना समीकरण, एक समीकरण, तीन यारी, अच्छा चलो भाई इसका क्या समीकरण बन रहा है, x बराबर जीरो है तो तुम्हें वैसे पता, छोटे दो समीकरण नहीं मानते अग कभी, अरे अग कभी वो समीकरण माननी पड़ेगी, नहीं तो समीकरणों की संख्या सो तक चली जाओगी, यहाँ तक मान ली। तो ये पहला स्टेप खत्म, बस खत्म, बस इतना ही था, नहीं पहला स्टेप इतना ही था पागल से पहला स्टेप खत्म होगा। अब मुझे ना बताओ इन दोनों में से x बराबर जीरो ग्राफ आप दिखा दोगे, x बराबर जीरो सभी दिखा दोगे, क्यों, जैसा हमारा जो ग्राफ होगा जो उसमें y बराबर जीरो तो उसमें x का मान कितना हो, जीरो ही हो, और जो y वाला ग्राफ मतलब कि जो ग्राफ बना है अब तो x वाला x है, x x पर y का मान कितना हो, जीरो, y का मान x x पर y का मान जीरो हो, तो मैं कहना चाह रही y बराबर वहां जीरो होगा या नहीं, होगा और वहां और ऊपर लड़े पर x बराबर जीरो होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो इसका मतलब ये तो आप ग्राफ में एकदम से दिखा दोगे और वैसे भी ये आराम से दिखा दोगे, तो इनमें समस्या आपको कौन से आड़े में, पहली समीकरण में और दूसरी समीकरण में, अब यहाँ से बिंदु के मान निकलेंगे, ठीक है। तो अब वो कौन से, अब वो स्टेप टू पर चला गया, चलो भाई इसकी हर मनोकामना पूर्ण करते चलो, जैसे कह रहा। अब इसमें कितने समीकरण आपको, दो, एक काम करो बीच में थोड़ा डंडा सा खींच लो, अब ऐसे तो बात नहीं, एक ही सवाल में आपको पूरी कॉपी भरनी, कॉपी भी ठीक ही करी। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है आपका, x प्लस के टू वाई बराबर आठ, या कौन सी समीकरण है अपनी, पहली, दूसरी समीकरण क्या लिखी हुई भाई अपनी, थ्री एक्स प्लस के टू वाई बराबर जी बारह, पाँच कहाँ, ठीक है, क्या होगा, पाँच है क्या, नहीं
12 है ना। अब देखो आपके पास दो समीकरण है, आपको दोनों समीकरणों के पहला क्या निकालनी, बिंदु, उन बिंदु को निकाल। अब छह बात हो, यो 2x प्लस के वाई बराबर, आप ग्राफ में तो कोई दर्शा नहीं सकता इसे एकदम से, इतना तो महान वैज्ञानिक कोई नहीं है, इसे छोड़ भी कभी भाई देख इसना भी समझा नहीं तो इसके लिए समझ सकता है कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, कहीं से भी कर दो। तो अभी हम दो बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद हम समीकरण रेखा पर जाएंगे। तो इसके भी हम क्या निकाल लेंगे, दो बिंदु, और इसके भी क्या निकाल लेंगे, दो बिंदु, उन दो बिंदु मिलाकर क्या बनाएंगे, रेखा। और रेखा कहाँ दिखाएंगे अपने, ग्राफ में, बस इतना ही काम करना। चलो तो सबसे पहले आप इसमें क्या रखेंगे, पुट x बराबर 0, तो जब इसमें 0 रखोगे तो यहाँ कितना आ गया, 2y बराबर 8, तो y का मान कितना हो गया अपना 4, तो पहला बिंदु अपना निकला कितना, 0.4 निकल गया। अब दूसरा में क्या निकाल लेंगे बताओ, पुट y बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 8, तो भाई दूसरा बिंदु कितना निकल गया अपना, दूसरा बिंदु निकल गया 8.0, बस इतना ही निकलना। चलो अब दूसरे वाले इसके बाद जाते हैं। चलो यो कह रहा अपना क्या रखना, पुट x बराबर 0, तो जब आप इसे 0 रखोगे यहाँ कितना आ गया 2y बराबर 12, तो y का मान कितना आ गया 6, इसे मान लो c, यहाँ से कितना आ गया 0.6। दूसरी बार भाई हम क्या मान लेंगे बताओ, y बराबर 0, तो जब आप y बराबर 0 रखोगे यहाँ आ गया अपना 3x बराबर 12, x का मान कितना हो गया 4, और d का मान कितना हो गया बोलो 4.0। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया मशीन की तरह। तो आपको दो स्टेप आपके पूरे हो चुके, हो गए, एक बिंदु आपने यहाँ से निकाल दिया, एक बिंदु यहाँ से। अब क्या हो गया ऐसा, ऐसा मोड, ऐसा फोल्ड कर वहां फेंक, वह भाई इसके जरूर पास बैठ, बैठ इसके पास, क्यों परेशान हो रहा है, जब था तमीज कर ला तमीज। स्टेप एक हो गया, स्टेप दो होगा, ठीक है, उसे अभी तो दीवार चाहिए, वो अपनी कमी नहीं बता रही थी, इसके कमी बता दी पर अपनी कमी नहीं, उसमें कोने में बिल्कुल, बस उसमें ही जाना है सर। स्टेप एक, स्टेप दो कंप्लीट हुए, अब किस पर चलते हैं हम, स्टेप तीन पर। चलो भाई स्टेप तीन में क्या होगा वो भी देखते हैं, अरे मुझे नहीं पता कितने भी आ सका, ठीक है, अभी सवाल के हिसाब से हमारे स्टेप बढ़ गए, ठीक है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, जो एसएमई का दे रखी नॉर्मली समीकरण में बदलनी है, पहले स्टेप में तो कुछ खत्म है, दूसरा स्टेप भी खत्म सही है, ठीक है, दो बिंदु निकालने हैं। अच्छा एक मिनट, अगर यहाँ एक और समीकरण होती हो जा सवाल में, बाई चांस जैसे x बराबर 0 यहाँ से हो जाता है x प्लस के y बराबर 5, तो एक और डंडा किसका, फिर उसके भी ऐसे मान निकालते हैं, फिर हमारे पास तीन रेखा बनानी होती है। अभी हमें कितनी रेखा बनानी, दो, एक रेखा कौन सी बनेगी ए बी, एक रेखा कौन सी बनेगी अपनी सी डी। चलो भाई अब सबसे पहला क्या खींचेंगे हम, ग्राफ खींचेंगे। चलो भाई ग्राफ, ग्राफ की ज्यादा कंडीशन खतरनाक होती हुई, इंगा ही बना लो, रुक जाओ, अरे यो 6 नंबर का सवाल है, पक्का ध्यान सही सा करियो, अब देखो। अत्ते नहीं, छे भी नहीं अत्ते, अब कब सो आयो, अब सही, अच्छा मुझे अपना पहले वाला पता, 2019 के आसपास जब मैंने पेपर दिए थे तो उस समय जो भी था मैं उसका बता रही भाई, जब मेरा तो मेरा नंबर अंदाजा लगा तो मैं सारे कर रही हूँ, पादरी के बाद बात कर रहा, छः छः नंबर के लास्ट के जो 6 क्वेश्चन हो ना, मैं 6 नंबर के ही हूँ, हाँ 6 या 5 क्वेश्चन थे जो हमारे 6 नंबर के होते, इतने होने हैं उसमें, पास होने के ना सोच, अगर मैथ में पास होने की सोच रखे हैं। अच्छा बताओ यहाँ कितना हो अपना, ओरिजिन पॉइंट हो, अच्छा अब इधर किसके मान लिखे जाओगे, एक्स के ऊपर, अच्छा नु बताओ यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4, आपको नु बताओ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इनमें, 8, तो इसका मतलब दोनों तरफ 8-8 नंबर के क्या खींचेंगे, लाइन से खींचो, चलो 1, 2, 3 और सब बच्चा स्केल से करेगा ये काम, स्केल से करियो, स्केल से फेटी था, ठीक है, फेटी लेकर रखा करना, जब भी करिए बिना उसके ना करिए, और ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बाकायदा ग्राफ आएगा, ठीक है।
अब देखो ये अब जो ये जितने भी आपने चार पॉइंट है ये इसमें जरा ग्राफ में दिखाओगे। तो पहला पॉइंट है ए 0.4, तो बताओ मुझे 0.4 आपको कहाँ मिलता है। 0 का मान x का मान कहाँ होगा 0, तो मतलब इस वाली लाइन पर, और y का मान कितना 4, तो इसका मतलब ये रहा। तो यहाँ से कितना हो x का मान 0 और y का मान 4। दूसरा कितना लिखा हुआ 8.0, तो भाई 8.0 कहाँ मिलेगा, सिंपल सी बात है ही मिलेगा और कहाँ मिलता, तो ये बी होगा 8.0। यहाँ से x का मान कितना, x का मान और y का मान 0 हो गया, ये तो मिला दिए। इसका मतलब है इन दोनों को मिलाकर अपनी क्या बन गई एक, चलो भाई रेखा, रेखा बन गई। अब रेखा की, रेखा के थोड़ा तिरछी मिर्ची जान लगी। अब या जो रेखा लिखी ना, जब आपने रेखा बनाई, रेखा के ऊपर चुपचाप उसका नाम लिखो, ठीक है। तो रेखा का नाम बोल लो अपना क्या, x प्लस के 2y बराबर 8 लिख दिया, ये अपनी ये वाली रेखा। अब इससे क्या होगा, आपकी गलती होने के चांस ही खत्म हो गए, ठीक है। अब ना तो आप अगर बेचा मैंने दूसरी भी तीसरी भी खींच सकती, उसमें सोचते यार कौन सी वाली रेखा पढ़ ली ना, तो समय बचा इस सभी। अब दूसरी वाली रेखा के पास जाऊंगे, 3x प्लस के 2y, अरे इसके बारे में निर्देशांक देखेंगे, 0.6, तो x का मान 0 ये रहा, चलो भाई इसका मान कितना c, तो c के लिख दिया 0.6, यहीं का यहीं पॉइंट लिखो, इसका दूसरे आपका उत्तर बड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है। अब d 4.0 ये रहा, तीन के बाद ही आवाज यार तीन तो वाला भी धक्का किसने चार, तो भाई अब इन दोनों को मिलाएंगे, चलो इनको मिलाओगे, देख मिलता चला जाइए, ठीक है। थोड़ी या यहाँ से तिरछी चली गई है, ले और तिरछी हो गई, ओ सिर्फ मैंने ठीक है जा रही, वहाँ अपना आप इस खेल तक खींच लियो, बिंदु बिल्कुल एक्यूरेट आओगे, चाहे लिख कर ले लियो, ठीक है। बताऊँ क्यों, बस जब भाई समीकरण था तुम कर लियो यार, ऊपर तो बिल्कुल सही आओगे, डोंट वरी। यो तो तू भाई अलग नहीं है, इसके यहाँ देखेंगे भाई 3x प्लस के 2y बराबर 12, वहीं के वहीं हमने क्या करा, समीकरण पर नाम लिखना बहुत जरूरी, रेखा पर समीकरण का लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। कौन सी रेखा, किसका समीकरण क्या था, नहीं तो गलती होने के चांस 100% है। निकाल लिया हो, इतना सभी ने निकाल लिया होगा। उसके बाद फोर्थ थर्ड स्टेप में ज्यादा बड़ा नहीं करते, वहीं के वहीं अब ये दोनों रेखा कहीं आपस में एक दूसरे काट भी रही होंगी, ठीक है। कहाँ से दिख रही है अभी काटती हुई, यहाँ से। एक काम करो, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु हो वो वहीं का वहीं निकाल लो, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या लिखेंगे हम, कौन सा पॉइंट है वो निकाल लो। यहाँ से ग्राफ के ऊपर तुम्हारे जगह बतेरी बची रहोगी, मैन ग्राफ मना कर दियो, कॉपी मार जो कर लोगे, ठीक है। तो यहीं से कर लियो, तो जवाब बताओ पहली समीकरण क्या आपकी, x प्लस के 2y बराबर कितना 8, दूसरी क्या है, तब एक काम करो मुझे सारा दिमाग का पता, नीचे कर लो इसके, एक काम करियो स्टेप थ्री में भी बनाओगे ना, इसके नीचे ग्राफ निकाल लियो, जगह अगर वहाँ छोटा है तो वहाँ निकाल लो, यहाँ तो यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो जवाब क्या, हाँ एक काम करो इसके बाद ना इन दोनों को यहाँ कर दी, यहाँ दिख रहा ना बोर्ड इसमें, तो जब भाई हम, ओ भाई मैं यही कर दी अपना कर लियो, एक्स प्लस के 2y बराबर कितना अपना 8, दूसरा है भाई 3x प्लस के 2y बराबर 12, यो 2y कट नहीं सकता, यो प्लस यो प्लस माइनस प्लस कटेगा। अब यो बताओ यहाँ कट का कितना आ गया, माइनस के 2x बराबर माइनस के 4, x का मान कितना आ गया 2, अब किसका मान निकाल लगे y का, इस वाले में रख लो लिखीजिए, तो यहाँ होगा 2 प्लस के 2y बराबर 8, तो 2y बराबर 6, तो y का मान भाई अपना आ गया 3। तो इसका मतलब यहाँ से कितने बिंदु मान ले, ए बी सी डी ई, तो एक बिंदु कितना, एक बिंदु अपना कितना 2, आ ई मान लो 2.3, तो इसका मतलब जो यहाँ आया होगा उसका मान कितना, ई का मान होगा 2.3। अब मेरा इतनी भी ड्राइंग बेकार नहीं है, यहाँ देख 2 नहीं जा रहा, और यहाँ कितना 3, थोड़ा 3.5 होगा, हो जाए तो हो जा यार, ऊपर नीचे हो जा, दिल सा देखो दिल सा मैं किसके दिल में, मुझे नहीं बता दो मैं किसी के दिल में नहीं उठी क्या, मैं धरती पाऊंगी बबा तेरे दिल में जो भी हो तू अपने दिल में भी सब बसा ला, ठीक है।
यार या जी भी। तो स्टेप फोर स्टेप थ्री आपका कंप्लीट हुआ, इसमें क्या बस हमने प्रतिच्छेदन बिंदु अलग से निकाला, वो बिंदु हमारा यहाँ आ गया, निकल गया। कहाँ हुआ अभी, अब तो कुछ भी नहीं हुआ इसका सवाल का, कुछ भी है। तो कितने स्टेप हो गए अपने, तीन हो गए। अब मुझे जरा ही बता दो, तीन तो स्टेप पक्के हो गए इसमें, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी तो दे, x बराबर जीरो y बराबर जीरो, वो तो तुम्हें समझ में पता, x का मान जीरो कब हो इस पर हो गया, दूसरा y का मान जीरो इस पर होंगे, या भी बात खत्म हुई। इनका भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा हो जाए x बराबर तीन तो वाल देखा अलग से खींचनी पड़ा, ठीक है वो करवा दूंगी एक सवाल, एक ही हुआ ऐसा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कितने स्टेप हो गए तीन। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की ओर। वाह भाई कहाँ करूँ, यहीं कर दूँ, दिख रहा स्टेप फोर देखो बहुत सिंपल है यो। अब जरा मुझे ध्यान से ये बताओ, जो आपके जो ये खतरनाक सेट्टी वाला मूवी सिकल वाली समीकरण लिखी हुई थी, जरा वही देखो। ओए भाई एक मिनट, ये वाली जो आपको समीकरण लिखी हुई थी ये देखो, ये x प्लस के टू वाई कंटीजी का मुँह आठ और दूसरा खतरनाक सेट्टी का मुँह बारह, ठीक है। बस उन्हें प्यार के साथ स्टेप फोर में ऐसे ही करके लिखो, जरा लिखो बताते हैं क्या हो रहा है इसका भी। एक्स प्लस के टू वाई, अच्छा दूसरा कितना था थ्री एक्स प्लस के टू वाई और यो लक्ष्मी की तरफ को बारह, तो भाई हो गया यो लक्ष्मी बुरा ना मैंने कहा मुझे बाहर जाकर धोगा दोनों हो गए नुका रुक कर एक और फिर तुझे ही धोती हूँ डिटर्जेंट पाउडर की तरह। दोनों हो गए भाई, अब देखो, अब देखो ये हो गया इसमें। अब आप क्या करोगे इसमें, आपको कुछ नहीं करना, दोनों जगह जहां भी x का मान हो चाहे y का मान हो चुपचाप करके जीरो रख देना। क्या करोगे आप दोनों, पुट x x और x बराबर जीरो y बराबर जीरो, इसमें भी सेम यही प्रोसीजर है, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। अच्छा x बराबर जीरो रखोगे मतलब ये पूरा मान कितना आ गया जीरो, इसका मान ये कंटीजी का आठ, ठीक है इसका मान कितना होगा जीरो, इधर को मुंह करगा आठ। यो बात समझो क्या कहना चाह रहा, नू बताओ क्या जीरो का आठ जीरो से बड़ा है, यो यही तो कह रहा, इसका मतलब क्या होगा आठ बड़ा किससे जीरो सा, इसका मतलब क्या बारह बड़ा किससे जीरो, यही तो बात में बड़ी यही कहना चाह रहा। अच्छा अगर ये इसका मुंह इस दर को होता मेरे साइड तो इसका मतलब क्या होता जीरो बड़ा आठ सा, क्या बात सच हो, तो इसका मतलब यह बात कैसी सत्य। अच्छा और भाई यह बात कैसी असत्य, असत्य कहाँ सत्य, तुझे दिक्कत जान चढ़ गई चढ़ी भाई जान, ठीक है। अगर ये जीरो का मुंह इस साइड होता ऐसा खुला होता तो आप क्या करते इसका मान असत्य, तो भाई यो कहना चाह रहा आठ बड़ा जीरो सा सच बात है, बारह बड़ा जीरो सा सच बात है। अच्छा इधर जीरो की जीरो ही रहेगा इधर स्टैंड में, हम हर बार अपने आप ही जीरो जीरो रख रहे हैं तो इधर जीरो ही होगा, ये तो बात सिंपल है। अगर अच्छा अगर यहाँ भाई इधर आठ होगा, अगर बाई चांस इधर माइनस एक होता तो इसका मतलब जीरो माइनस एक से तो बड़ा है, ठीक है इसने कहा माइनस एक बड़ा, तो ये बात कैसे हो जाती ऐसा थे। तो इस तरीके से आपको सवाल आने, हाँ जीरो बड़ी नहीं होती। अब यहाँ हाँ जी स्टेप फोर तक सबको समझ में आया, ओ भाई चुप हो जा चुप हो जा, ठीक है। अब आपको एक बार अच्छा सवाल पढ़ो अपना क्या क्या रखा, सवाल पढ़ो इसमें वो लग के दूसरा सवाल है, हाँ जी इसमें वो लगा जो निचले वाली लाइन है समीकरण वाली है तो हमने खत्म कर दी। अब सवाल मैन पढ़ो, जो मैन सवाल है जो सवाल का मांग रखी है आपसे, जेड बराबर माइनस के तीन प्लस के चार वाई का न्यूनतमीकरण कीजिए, भाई इसका न्यूनतम मान निकालना, जो मिनिमम मान होगा वो निकालना, ठीक है। अब बस यहाँ समझ लो, रुको अब इसमें क्या रखा पहला, अब आपको इससे पहले ना वह मान निकालने से पहला आपको क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ आपको अक्षेत्र छायांकित करना पड़ेगा, छायांकित मतलब डार डार करना पड़ेगा, जैसे आपने ग्राफ में भी शायद कराई होगा। तो उसमें क्या होगा अब मुझे आप बताओ, उसमें नहीं आया था, चलो अच्छा यहाँ देख लो नहीं आया था तो मैं क्या बोलूँ इसमें अगर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों असमी का सत्य है या असत्य, अगर देखो अगर आपकी सत्य हुई तो आप डार्क करोगे एक्स एक्स की तरफ, मतलब अगर डार्क हुई तो अंदर की तरफ मतलब इस एक्स के एक्स की तरफ करोगे, और अगर हुई असत्य दोनों रेखा तो आप करोगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब यहाँ से, ठीक है अंदर हुई तो मेरी तरफ, अंदर हुई तो मेरी तरफ और बाहर हुई तो देव की साइड, ठीक है। अब रुक जाओ
सत्य बोल रहा है इसने। अब मुझे बताओ यह बात सत्य, इसका मतलब यह मूल बिंदु और एक्स अक्ष की तरफ छायांकित होगी। छायांकित का मतलब मैं काला काला करूंगी, डार्क इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। और अगर इसने कहा अगर सत्य भी है विवाद तो सत्य भी तो अंदर की, और अगर असत्य होती तो मैं करती बाहर की साइड, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स का मान यहाँ कितना, हाँ मैं बता रही, कोई बात नहीं, अवगा बिल्कुल अवगा, तो वो जब आओगे जब तू अगला सवाल करेगी। भाई ये तो आने ही आने, इसमें मैं क्या कर सकूँ। तो हम सिर्फ वो कॉमन क्षेत्र देखना जिसमें दोनों ही देखा हो के, जो अगर हमने इसके वाला डार्क करा और उसके वाला डार्क करा तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दोनों में कॉमन क्षेत्र है, फिर वहां से हम जो जेड वाली बात जो हम बवासी दे रखी ना उसका हम न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल लेंगे, ठीक है। और जेड को बोलते हैं उद्देश्य फलन, क्या बोल लेंगे, तो हम उद्देश्य फलन के मान निकालना कि उद्देश्य फलन का अधिकतम मान कौन सा, न्यूनतम मान कौन सा। और उद्देश्य फलन का मान जब निकलेगा, जब हम उद्देश्य फलन के लिए हम जो छायांकित क्षेत्र है वो निकाल लेंगे। इतनी थारा सूद हिंदी सारी समझ में आने सर ही, इसलिए मैं यही बता रही, डार्क जो एरिया वो मैं निकालना। और डार्क एरिया ऐसा नहीं इसका भी डार्क एरिया होगा, इसका भी डार्क एरिया, पर दोनों में निकालना कॉमन एरिया, कौन सा एरिया, ठीक है। बस मारकर सब काला काला करना रहेगा और कुछ नहीं, शुद्ध भाषा में कह रहा हूँ। अब ये बताओ मुझे, योग दोनों बात सत्य है, इसका मतलब है अगर सत्य भी तो आप इसकी मतलब मूल बिंदु और एक्स अक्ष की तरफ छायांकित करोगे, और अगर भी असत्य तो भाई आप इससे बाहर की ओर छायांकित करोगे। अब मुझे बताओ या सत्य या कौन सी रेखा एक्स प्लस के टू आई, या सत्य इसका मतलब है एक्स अक्ष की तरफ, मतलब इस साइड आप डार्क करोगे, थोड़ा चिन्ह लगा लो, इस साइड आप डार्क करोगे, नॉर्मली से अपने समझने के लिए हल्का सा निशान बना लो कि तुम्हें इधर डार्क करना। अब दूसरी क्या रखा, 3x प्लस के 2y, यो भी सत्य है, इसका मतलब यो भी इस साइड होगा। अगर मैं कहती हूँ असत्य तो ये किस साइड होता, इस साइड, यो इस साइड होता डार्क, पर अब यो किस साइड डार्क होगा, इस साइड। अब इन दोनों में आपको पता क्या देखना, डार्क तो हर जगह होगा पर आपको देखना इसमें कॉमन क्षेत्र, ठीक है। अब कॉमन एरिया भाई कौन सा आपने बताओ, चलो यहाँ से इस साइड यो डार्क होगा, इस साइड यो डार्क होगा यहाँ से, और यो इस साइड डार्क होगा यहाँ से, मतलब कॉमन एरिया तुम्हें कौन सा दिख रहा, यो वाला ही तो दिख रहा। अब नु बता, यो वाला जब इस साइड डार्क होगा, यो इधर तो डार्क नहीं होगा, तो यो वाला एरिया तो सिर्फ इसी रेखा से डार्क होता, दोनों रेखाओं से डार्क एरिया देखना तुझा, या वाली रेखा भी से डार्क करेगी और या वाली रेखा भी से डार्क करेगी, तो जब भी तो समझेगा तेने एक शर्ट पहरी, मैं तो कैसे समझाऊं, है ना, बार रहा हूं जा। ये पड़े दारे मार कर, चल कोई नहीं। तो इसका मतलब भाई कौन सा वाला एरिया डार्क हुआ, ये वाला दिख रहा, तो ये वाला एरिया पूरा डार्क हुआ। ज्यादा उजियार मत पंथी मत दिखाना कि इस तरह अक्सर कभी इधर का सारा हिस्सा डार्क करके भगा दिया कॉपी में, ज्यादा ना करियो, मूल बिंदु से बस इधर का ज्यादा नहीं, ठीक है, वो आपको ज्यादा नहीं डिमांड कर रहा। अगर आपको अगर देखो बाई चांस आपका ये वाला बाहर वाला एरिया आपका कॉमन होता ना दोनों रेखाओं से, ए बहना चुप हो जाओ लक्ष्मी, दोनों रेखाओं से आपका बना कोई एरिया, लक्ष्मी हाईलाइट हो रखी, दोनों रेखाओं से आपने कोई एरिया बनाया, दोनों रेखाओं का मतलब दोनों ही असत्य आ गए बाई चांस, तो अगर असत्य आ गए मतलब थोड़ा सा इतना एरिया डार्क करके छोड़ दियो, यो नहीं है वहाँ तक कोने तक ले गए, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं पूछा आपने। अब उसने बताओ जो डार्क एरिया करा वे कौन कौन से बिंदु जहाँ आपको डार्क एरिया के बीच में फंस रहे, ठीक है, एक तो यरा बिंदु ए, फिर एक ई, फिर एक योरा 4.0 और एक 0 वाला, तो 0 वाला तो लिखते नहीं, क्यों होता मूल बिंदु, इसा छोड़गा कितने बिंदु बन गए, एक दो तीन, कितने बिंदु बन गए, तीन बिंदु बन गए, बिल्कुल तीन बिंदु, पहला भी इतना नोट करो करेगा, हाँ मैं और बोर्ड पर कहाँ लेकर जाऊँ। पहले स्टेप में आपने क्या किया था, जितने भी असमीकरण थे उसका किस में बदल लिया, समीकरण में। दूसरे स्टेप में क्या करा आपने, दो बिंदु निकाल दिए। तीसरे स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, ग्राफ निकाल लिया। चौथे स्टेप में हमने सत्य असत्य निकाल लिया। उसके बाद हमने फिर उसके बाद क्या किया था कि कहाँ हम डार्क करेंगे, कहाँ हम डार्क नहीं करेंगे, वो निकाल लिया। अगर सत्य हुआ तो किसकी तरफ करोगे आप, एक्स अक्ष की तरफ, और मतलब मूल बिंदु की तरफ और एक्स अक्ष की तरफ। एक्स अक्ष तो देखो भाई यहाँ भी हो, कभी यहाँ जाकर सिर मारो, यहीं करना, ठीक है। और अगर असत्य हुआ तो मतलब जो रेखा था उससे बाहर की ओर। इतनी बात कन्फर्म। अब आते हैं पाँचवें स्टेप पर। तो जो आपका पाँचवा स्टेप है वो आपको कुछ नहीं कह रहा, बहुत नॉर्मल हिसाब हो तो। अब जो आपको सवाल की डिमांड है वो पढ़ो, क्या क्या रखी सवाल में, मैंने क्या पूछ रखा आपको, यो नहीं पूछ रखा था आपको, हाँ, और किस चीज़ का निकालना वो देखो, जो जेड से दे रखा ना आपको उसे बोलते हैं उद्देश्य फलन, क्या बोलते हैं, तो उद्देश्य फलन का क्या निकालना आपको बोल लो, उद्देश्य फलन का आपको न्यूनतम मान निकालना, ठीक है, न्यूनतमीकरण करना, मतलब न्यूनतम मान निकालना।
तो भाई उसके लिए आप कौन सा स्टेप चलेगा अपना? स्टेप फाइव, मार्कर दूसरा देना जरा। स्टेप फाइव चलेगा भाई यहाँ से। तो जब स्टेप फाइव चलेगा इसमें, चल गया चल गया चल गया। अब देख लो यहाँ से स्टेप फाइव में आप नाप कर ले, रुक जा भी। स्टेप फाइव में आपको क्या करना, सबसे पहला आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल कैसी बनाओगे, बना लगे छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो। अब यहाँ से आपको क्या देखना, ऐसा करके दो खाने कर लोगे, सभी बच्चा कर लेगा यहाँ से। उसके ऊपर आपको यहाँ देखने कोने बिंदु, कोने बिंदु का क्या मतलब। अब हम यहाँ से उन वाले बिंदु, कोने बिंदु ये वे वाले बिंदु लिखने वाले भाई, जो आपके जहाँ डार्क हुआ था ना वो कॉमन एरिया था, उसके कहाँ कॉमन एरिया से रिलेटेड कितने बिंदु। तो आपके कौन कौन से बिंदु, एक तो बिंदु आपको भाई ए है, वो कितना 0.4। एक और बिंदु वो बोल लो कितना, जो प्रतिच्छेदन बिंदु वाला था वो कितना 2.3। एक और बिंदु वो बोल लो कितना, ए बी सी डी, डी कितना वो बोल लो 4.0। अरे एक और है अपनी मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तो लिखो मत, ठीक है। इसे यो ज़्यादा यो वाला एरिया, ठीक है, समझ रहे ना। इस तो बाहर नहीं जाना कभी, कोई सा बच्चा आगे वाले बिंदु उठा के लिखा, बस ओनली ये वाला, ये वाला, ये वाला और जीरो वाला, ठीक है। जीरो वाला हमने लिखा नहीं। अब उसके बाद आपका कोणीय फलन देखो, आपको क्या वो उद्देश्य फलन आपका क्या बोल रखा वो देखो। तो जो आपका उद्देश्य फलन था, उद्देश्य फलन क्या बोल रखा देखो अपना, जेड बराबर माइनस के 3x प्लस के 4y। अब इसने पता क्या बोल रखा, जो आपका उद्देश्य फलन है इसका आपको मिनिमम मान निकालना, ठीक है। और देखो किसी सवाल में आपको इसका अधिकतम मान भी निकालना हो, ठीक है। तो अगर आपको चलो इसका मिनिमम मान कैसे निकालना है, पहले इसके मान ही निकाल लो। कहने का मतलब है जो ये 0.4 है ना, इसमें जेड वाले में भरने, बस और कुछ नहीं करना। जहाँ अच्छा इस वाले में जब आप इसमें भरोगे तो यहाँ से बताओ यहाँ मान कितना होगा, मैं साइड में करके दिखा रही हूँ। यहाँ से माइनस के 3 है, एक्स का मान कितना अपना 0, ठीक है। फिर प्लस वाई, वाई का मान कितना अपना 4। तो भाई ये तो 0 होगा, 4 चौक 16, इसका मतलब यहाँ जेड का मान कितना आया, अब 16 आ गया, ठीक है जी। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। अब जब इसके वाले के पास चलोगे आप, यहाँ 3 × 2 = 6, फिर प्लस 4 × 3 = 12, तो 12 में से 6 घटा गया, फिर कितना आ गया 6, इसका कितना आ गया 6। अब तीसरे वाले के पास चलते हैं। जब आप जेड वाले में इसमें माइनस के 3, एक्स का मान कितना 4, मतलब 4 × 3 कितने हो गए भाई अपने 12, 4 × 3 = 12, और वाई का मान 0, तो हमने यहाँ आ गया माइनस के 12। अब मुझे नहीं बता दो आपको क्या पूछा सवाल में, आपका पूछा न्यूनतम मान, जो आपका उद्देश्य फलन है इसका क्या निकालना है आपको, न्यूनतम मान। सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको इन तीनों में, माइनस के 12, इसका मतलब है यो तो क्या होगा आपका मिनिमम, ठीक है। न्यूनतम सबसे इसका आंसर होगा माइनस के 12, ठीक है। बट अगर मैं आपको यही पूछा लोगों इसका मैक्सिमम मान निकालना, सबसे बड़ा क्या इसमें 16, तो इसमें 16 क्या होगा आपका, इसमें यो मैक्सिमम मान हो गया, मिनिमम मान हो गया आपका माइनस के 12। बस यहीं तक ही सवाल होना आपका, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। और बस आपको ये वाले मान कहाँ से निकाल लोगे भाई, ये जो पॉइंट के मान है, ये जो हमारे जैसे 0.4 है, जितने भी बिंदु, ये पहले एक का कवर का एक एक साथ में भरोगे, फिर यहाँ लिखोगे, दूसरे वाले इसके इसमें भरोगे यहाँ लिखोगे, तीसरा वाला भरोगे यहाँ लिखोगे, फिर नहीं देखें कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, जो ज़्यादा वो मिनिमम, बस जो सवाल के हिसाब से पूछा वो। आप देखो अगर एक मिनट ज़्यादा 7-8 में देखो आपको क्या दे रखा, न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालने, तो वो भी निकाल लोगे ऐसे ही निकाल लोगे। चलो एक ये सवाल करो, पहला नोट कर लो, ये जाना हो तो आपको जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में आप 7 करवा रही हूँ, ठीक है। 7 में देखो आपको क्या बोल रखा, अब कुछ कंडीशन ऐसी भाई, कहीं न्यूनतम मान 2-2 जगह आ जा, और अधिकतम मान 2-2 बार आ जा, ठीक है। तो कैसे भी आ रहा है डंडे बाद में, सिर्फ क्या रखा 2-2 बार आ, क्या रहा? कुछ दिक्कत है क्या? चलो 7वां सवाल पढ़ो, वही है कि आपको इसका अधिकतम मान निकालना, न्यूनतम मान निकालना, ठीक है। बस ध्यान रखना 2 बार होगा आपका न्यूनतम मान, जैसे 600 600 600 600 दो बार आ गया, बस यही तो है, कोई बात नहीं। जब सवाल करोगे आपका सवाल तो आ गया ना, बस वही है। 7वां सवाल देखो, आपको बोल रखा कुछ अवरोध है, जो आपको उद्देश्य फलन है उसका न्यूनतम मान निकालना, उसका आपको अधिकतम मान निकालना, क्या निकालना आपको उसका, नमस्ते जाओ, न्यूनतम मान निकालना है और उसका अधिकतम मान निकालना है, ठीक है। और आपको जो इसका सेट्टी के मुँह जैसी कुछ असमीका दे रखी, तो भाई कितने असमीका इस समय, 1 2 3 4 5, वो बहुत सारी दे रखी है, तो मतलब कहने का मतलब यू। तो आप इन सभी पहले स्टेप में क्या करोगे, इन सभी को किस में बदलते हो, समीकरण में, ठीक है। लक्ष्मी चली गई, देख इस तम होगा स्टेप फर्स्ट, आप इसमें भाई कौन सा नंबर है, 7वां क्वेश्चन है। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, इन सभी को किस में बदलोगे,
समीकरण में, तो आप क्या लिखोगे बताओ? दी गई है समीकरण को किसमें बदलने पर? समीकरण में बदलने पर। तो भाई जब आप इन सभी को समीकरण में बदलोगे, आपके पहले समीकरण क्या बन जाएगी? x प्लस के 2y बराबर 120। दूसरी बोल लो, x प्लस के y बराबर 60। तीसरी अच्छा ये है 5। इस तरीके से लिखी हुई पक्का यही लिखी हुई ना सब? हाँ। लिख दी। अब मुझे आप बताओ, ये तो x ही हो तो कोई समीकरण बनी नहीं हो अपनी, ठीक है? y बराबर 0 या तो तुम समझ गए होंगे कौन सी उस पाव होगी, ठीक है? अब या तो एक समीकरण, यह वाली दो, अच्छा यह वाली तीन, मैंने कहा था नहीं अब तीन भी आ सका, तो क्या दिक्कत कुछ आ रही है? हम बिंदु ही तो निकालने हैं, बिंदु ही तो निकालने हैं सिर्फ। यहाँ देखेंगे हम स्टेप कितना अपना दूसरा, तो जब स्टेप दूसरे में आपको सिर्फ ओनली बिंदु निकालने और कुछ नहीं करना, तो आप क्या करोगे भाई? ऐसे तीन खाने चलो खींच लेंगे इसके भी, हर सभी की मुराद पूरी करनी चाहिए, ठीक है? इसकी मंशा इस, अब इसके टुकड़े होंगे x प्लस के 2y बराबर 120, ठीक है? इस पर टूट पड़ो है इन पर x बराबर 0। जब इसमें x, तो y का मान बताओ इसमें कितना आ जाएगा? y हाँ यो इसके साथ बता मैं क्या करूँ बता, मैं कुछ भी नहीं, बिना बात के ही सवाल में काट दो ना, बिना बात के उसके साथ आप बैल मुझे मार, जब उसने कुछ नहीं कर रखा। देख भाई एक मतलब कि बैल खड़ा, बैल ले लो अभी बैल खड़ा, वो तुझे कुछ नहीं कह रहा, और तू उसको जाकर लट मारेगा तो तुझे मुझे सोच कितना पटका होगा तुझे, ठीक है? मार ऐसे ऐसे देगा ना फिर चिकल भी बदल जाओगे, इसलिए इसलिए जो कुछ जो कोई कुछ नहीं कह रहा ना किसी को कुछ नहीं कह करते। अभी देव तुझे बिल्कुल भुंदक की नजर से देख रहा, वो तो कुछ नहीं कह रहा, और तू उसका जाकर सिर मारने लगा तो तेरा पता नहीं कितना मजा होगा, मैं भी नहीं छुटा रहेगी देख, ठीक है? अब यहाँ देखो 2y बराबर कितना 120, अब y का मान कितना हो गया भाई 60, इसका मतलब चुप हो जाओ एक बिंदु हो गया भाई 0.60। अब हम दूसरा बिंदु निकाल लेंगे, चलो दूसरा बिंदु बोल लो कितना हो गया, वाई का मान 0 तो x का मान कितना हो गया 120। अब यहाँ b का मान 120.0 निकाल लिया। अब हम किसका मान निकाल लेंगे यहाँ से, इसके भी क्या निकाल लेंगे, दो मान निकाल लेंगे, मतलब बिंदु निकालनी है हमें दो, ठीक है? मान कर रहे हैं बस एक घंटे का। वाई का मान कितना हो गया 60, तो यहाँ था सी 0.60। अच्छा फिर क्या करूँ? ई भाई पढ़ लो, तू ज़्यादा पढ़ रहा है नहीं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ तू ज़्यादा पढ़ने लगा। x का मान कितना हो गया 0, तो माइनस के 2y बराबर 0, तो इसका मतलब a b c d e, तो e y का मान कितना होगा 0, तो इसका मान कितना होगा 0.0। अब हम क्या करेंगे बोल लो, इसमें से y का मान 0 रखेंगे, तो जब आप इसमें y का मान 0 रखोगे, x का मान कितना आ गया अपने यहाँ से 0, तो इसका मतलब e f, f भी कितना आ गया 0.0। पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट, अब हम किसके पास आते हैं तीसरे में, और थर्ड स्टेप हम करते क्या है भाई? ग्राफ बनाते हैं, और तो कहीं ग्राफ बनाने के चांस नहीं है, वो बिंदु निकालने के चांस खत्म हो गए, ठीक है? अब भाई अब हम क्या करेंगे, अपना क्या बनाएंगे? ग्राफ, जो इस सवाल की मैन आत्मा, ठीक है? हृदय, उसके किडनी, फेफड़े, जो भी ना, सब ग्राफ ही। तो भाई स्टेप थ्री में आप लोग क्या बनाते हो बताओ? ग्राफ। अब मुझे बताओ इसमें ग्राफ बनाने से पहले देख लो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 0.0 भूल जाओ, 60 60 60 120, इसका मतलब है आपको कुछ इस तरीके से करना, 60 के फॉर्म में चलना, ठीक है? तो जब भाई आप चलोगे ऐसा क्या है ग्राफ बनाने से पहले ही एक काम करो, ग्राफ तो कुछ तो बनाने ही, ग्राफ या तो 20 20 के अंतराल में ले लो, 30 30 के अंतराल में, बताओ किस में लोगे? 30 के में लोगे, तो यहाँ भाई अपनी होगी 0, यहाँ तो हो गया मूल बिंदु, तो यहाँ कितना हो गया अपना 30, फिर यहाँ कितना हो गया 60, यहाँ पर कितना हो गया 90, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 120, ठीक है? फिर इसी तरीके से यहाँ लोगे, यहाँ पर कितना होगा 30, यहाँ पर कितना होगा 60, और यहाँ पर 90, यहाँ पर कितना होगा अपना 120, ठीक है? और ग्राफ थोड़े तमीज से लियो, कभी पता चला इतने इतने से करके चल रहे हैं, और इसके जैसा बैठा 1 2 3 120 तक देखो जम्मा से कर का, इतने तो इतना तो ग्राफ के डिब्बे भी होते हैं। अब आप क्या करोगे? चलो पहला ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है? वहाँ आप यूनि बना रहेगी, इतना बनाओगे कि टाइम भी इतना नहीं होता, वो आपको ग्राफ देगा, उसमें स्केल की इंची ऐसा सर लोकेट करा, चलो अग्गा,
ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर कितना 0.60, तो 0.60 आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर। तो ए बिंदु ये रहा अपना 0.60, मिल गया। दूसरी बार आपको क्या देखना है, 120.0, बी कहाँ मिलता है आपको, ये रहा। तो यहाँ बी हो गया आपको 120.0, इन दोनों को मिला देंगे। चलो भाई मिलाओगे सभी, चल ओ चल वो कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी अगर मिल भी जाना तो तेरे जैसा हाई गियर था बसपा। तो यो कितनी होगी भाई अपनी, एक्स प्लस के 2y बराबर 120। चलो भाई होगी। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब दूसरे वाले के पास चलेंगे। दूसरे वाले कह रही मैं हूँ 0.60, अच्छा होगी तू, हम क्या करा होगी। तो यह यारी दूसरी कह रही 60.0, अच्छा जी 60.0 मतलब डी यारी डी। अब इन दोनों को मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला देंगे। तू चाह कोई हो, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे गे, ले तिरछी जारी तेरा स्केल तो साफ बनाई हो, सीधी बनाई मेरे साथ लड़ियो ना थारी, देखा तिरछी जारी में कुछ नहीं कर सकती भाई इसमें। एक्स प्लस के वाई बराबर 60, ठीक है। अब तीसरी वाली के पास चलते हैं, तीसरी वाली कह रही 0.0, या यहीं बैठी यहीं है या कहीं इसी पर जा रखी रेखा पर, और कहीं नहीं जा रखी है, ठीक है। तो आपके कितने स्टेप हो गए, 3। अभी हमने इन दोनों का वो निकाला प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। अब देखो दो रेखा ये आपस में कहीं ना कहीं आपको क्या कर रही होगी, आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, अच्छा जी 0.60 का। तो भाई एक बार जब ये दोनों आपस में रेखा कटेगी, क्या कुछ नहीं। चलो एक बार ये रेखा तो चलो एक तो तुम्हें पता चल गया 60 वाले पर काट रही, ठीक है। अब नहीं बताओ ये वाली रेखा भी तो, ये रेखा आपस में काटी कहाँ पर, 60 वाले पर, ये रेखा भी तो कहीं काट ही रही होंगी भाई। दो रेखा कितनी है अभी, तीन रेखा, तीन। तीसरी रेखा तो 0 पर चली गई, तीसरी रेखा चली गई ना 0 पर। तो अब नहीं बताओ ये दोनों आपको कहीं काटेगी, तो ये भी तो कहीं काटेगी भाई, तुम ही तो कह रहा हो कहीं, क्या पता कहीं को अग जाकर काट रही हो क्या, तुम्हें सवाल में दिखाना पड़ा बहु भाई, चाहे वो 0.0 पर दिखा रही हो चाहे कुछ भी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल तुम्हारा किस बात का वो, ठीक है। अब अगर तुम इसमें भी करोगे, वैसे तो तुम्हें दोनों ही दिखाने चाहिए, इसका भी दिखाओ उसका भी दिखाओ, क्योंकि प्रतिच्छेदन निकालने का तो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जब तुम इसे दिखाओगे एक्स प्लस के 2y बराबर 120, और यहाँ कितना अपना एक्स प्लस के वाई बराबर 60, जब आप इसे दिखाओगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यो कट गया। अब इसमें कितना हो गया वाई बराबर 60, क्योंकि अगर तुम्हारे कभी प्रतिच्छेदन बिंदु में दिक्कत आई ना, तो हम जब कोने फलन निकाल देंगे ना, उसमें मान गलती आ जा, ठीक है, इसलिए निकाल ले, नहीं तो सिर दर्दी थोड़ी दिख नहीं रहा है, मैं 60 पर निकाल ले फिर हम निकाल ले। जब इसमें मतलब, तो एक्स का मान कितना होगा 60, इसका मतलब ये तो तुमने खुद ही बता दिया था, यो एक बिंदु कितने बिंदु हो गए थे ई एफ जी, यो कितना भाई 60.60 रुक जा पुत्री रुक जा। इसमें जब तू वाई का मान 60 रखेगी, एक्स का मान कितना आ गया 0, तो इसका मतलब जी का मान कितना होगा 0.60। अरे मैं कह रही थी 0.60 यो वाला बैठा, ठीक है बैठ गया, इसकी बात खत्म होगी। अब हम किसके पास जाओगे, इन दो रेखा हो गए, ये अभी तो बैठी जिंदा, ये अनुकारी आई हम जिंदा, मगर चल कोई बात नहीं, तू जिंदा तो हम भी तेरे साथ जिंदा ही। तो यहाँ कितना एक्स माइनस के 2y बराबर 0, यहाँ पर कितना प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कैंसिल हो गया कैंसिल, अच्छा यहाँ कितना बच गया बताओ, यहाँ पर कितना बच 3y बराबर 60 प्लस के 60 y बराबर कितना हो गया 3 × 20, 3 × 20 ओ भाई इतने इतने खतरनाक, 3 × 6 हो, ठीक है चुप हो जाऊं। y का मान कितना हो गया 20, अच्छा अब अगर यहाँ से x प्लस के 20 बराबर 60, तो मतलब x का मान कितना हो गया बस बोल लो, 60 में से 20 घटा गया, x का मान 40, तो यहाँ से जी एच, तो जो अपना एच बिंदु आया वो कितना होगा 40.20, इसका मतलब है जो एक बार रेखा जो अपनी मूल बिंदु से होगा गुजर रही थी, वैसा कहाँ काट रही होगी बताओ 40.20 को, और कौन सी वाली रेखा वो कटेगी इस वाली को, यह वाली रेखा कौन सी, यह वाली यारी। अब और वह कहाँ भाई, वह भी देखो वह कहाँ गई यारी 40.20, अब 40 कहाँ सी, 40 इसके बाद होगा, और 20 कहाँ सी होगा यहाँ सी कोई होगा कहीं को, तो इसका मतलब यहाँ 40 मान लिया तुमने, यहाँ क्या मान लिया 20, तो
तो यहाँ से लिख देंगे हम एच और यहाँ कितना 40.20। अब मेरी बात सुन लो, जो वह देखा गई थी ना, वाह जो मूल बिंदु वाली वह कुछ, अब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी, वरेगा कहीं से तो जारी होगी, यह बात पक्की है, वरेगा कहाँ से जारी होगी, कहीं से तो इसमें जारी होगी, इसका मतलब वह रेखा यहाँ से तो जारी होगी और मूल बिंदु से जारी होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जारी होगी, पक्का जारी होगी, तो इसका मतलब वह रेखा यहाँ से जारी, क्या जारी, चल मैं चली, वह खुद ही तुमने ही कहा, ओ भाई मैंने थोड़ी कहा, या तुमने ही नहीं बात बताई, वह रेखा यहाँ से जारी, इस बिंदु से तो वह जारी होगी और यहाँ से जारी, अरे रुक जाओ, वह इस बिंदु मैं बताऊँ, मेरी थोड़ी ना वह थोड़ी गलती होगी, वो स्केल में ना, तो वह इस वाली रेखा वो कटेगी, कौन सी वह रेखा, एक्स प्लस के टू वाई, एक्स प्लस के टू वाई बराबर 120, इस वाली रेखा को मैं यहाँ काट रही, मेरी बात समझ लो, वह जब तुम सही बनाओगे ना वो तुम्हारी बिल्कुल एक्यूरेट कटेगी, मेरी यहाँ कटने में थोड़ी दिक्कत होगी या कहेंगे कहीं जा रही, तो भाई या ऐसा कर गए चली गई, तो इसका मतलब तुमने खुद ही बता दिया यहाँ से जा रही है। इस वाले बिंदु का क्या नाम है अपना, इसका एच, तो तीन तो मान निकल गए, अब हम क्या करेंगे बताओ, डार डार करेंगे, पर डार डार करने के लिए हमें क्या चाहिए, सत्य सत्य चाहिए, तो अब हम क्या, कौन से स्टेप पर जाने वाले बोल लो, स्टेप 4 पर, 5 कहाँ को दिख रहा था, जहाँ 5 पर तो सवाल ही खत्म हो जा, तो जब आप स्टेप 4 पर जाओगे पहला क्या देखेंगे हम, समी का, ठीक है, अब मुझे नु बता दो, ये जो x प्लस के 2y, अब इसमें मुंह कहाँ से था, वो मतलब इसका एसमिका का मुंह किस साइड था, 120 की साइड था, लो जी 120 की साइड, दूसरा क्या था अपना बोल लो, लेस देन, आज तो इन भी इंग्लिश बोल दी भाई, एक्स माइनस के टू वाई और लेस देन 0, बस आज कुछ ना कह दो, आज ना सोलो ने इंग्लिश बोल दी, ठीक है, अब मुझे बताओ यह बात है एक्स प्लस के टू वाई, अब इसमें आप क्या रखोगे, पुट अब क्या रखोगे, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, इसमें भी एक्स बराबर और वाई बराबर, अच्छा जी नुकर रखी क्यों रही है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 0, फिर इधर को मान, यहाँ पर 0, अच्छा इधर को आ सकते हैं, रुक जाओ, तीसरे वाले ने तो कहानी खत्म कर दी तुम्हारी, तीसरे वाले ने तो कह रहा 0 0 बराबर हो, हमने कहा ठीक तो बात सही कह रहा, 0 0 बराबर हो, इसकी तो बात सही है, ठीक है, तो यह बात कैसी होगी बताओ, अरे भाई अगर नीचे बराबर का चिन्ह भी तो है उसके, यो तो इसका मान है इधर मतलब क्या छोटा, पर इसमें भी तो कह रखा यो लेस देन के साथ साथ इक्वल भी, तो ये तो बात सत्य होगी, अब इसके साथ जाओ, यो नु कह रहा क्या 0 बड़ा साथ सा, 0 बढ़ाएगा साथ सा, क्या बढ़ाओ 60 बढ़ाओ, तो यहाँ क्या होगी, अब बात सत्य है सत्य असत्य होगी, या देख ऐसा सदमे भट्टी से सका इसमें भी असत्य, अब मुझे तीसरी बात बताओ, अब तीसरी बात ये बताओ भाई आप, यह बात है 0 और यहाँ कितना, यह बात सत्य, अब यह कह रहा 120 बड़ा या 0 बड़ा, 120 बड़ा, यह बात सच है, तो यहाँ क्या लिखूं, यह बात आप लिखोगे सत्य, ठीक है, अभी जरा इतना नोट करो, इसमें देखो यह वाली तीसरी रेखा जा रही थी ना, इसका नाम क्या था, इस वाली रेखा का इसका नाम था अपना एक्स माइनस के टू वाई बराबर 0, अच्छी बात तो बताओ, या रेखा यहाँ से कटगी या इसमें इस अभी तो कटी होगी कहीं सी, या तो हमने बिंदु निकालना ही नहीं, तो इसे भी निकालना पड़ेगा, हमने अभी तक एक ही तो बिंदु निकालना, एक बारी तो कटी इस वाली को तो काटी होगी रेखा वो कहीं, चलो अब इसका निकालते हैं, अब या कहाँ इस वाली रेखा को कहाँ कटेगी, इस वाली रेखा का क्या मान है, यह वाली रेखा अपनी एक्स प्लस के टू वाई बराबर 120, और यह वाली रेखा कितनी अपनी एक्स माइनस के टू वाई बराबर 0, तो भाई जब इसका कटेगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बोल भी ले करो बड़ा बड़बड़ा हो जाऊँ, अब यहाँ तोड़ दो 4y बराबर 120 हो भाई 4y, अब जब 4 से कटोगे तो उससे कितना आ गया 30, तो एक तो आ गया 30, अब दूसरी बार हमें किसका मान निकालना x का, तो जब आप x माइनस के 30 दूनी 60 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 60, इसका मतलब है जो यहाँ वाला बिंदु होगा एच तक मान लें, एच के बाद क्या हुआ आई, इसका मान हमने मान लिया 60.0 कहाँ 30 यहाँ खोल कर देगा, यहाँ 30 है यहाँ 60 है, ठीक है, तो सच में ध्यान चढ़ गई,
तो यहाँ कितना, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है। अब तुम्हारे सब जितनी भी रेखा काट रही थी वो होगी। अब हम देखेंगे कौन सी बात सच होगी कौन सी बात झूठ होगी। इसने कहा यह बात सच है, मतलब यह वाली जो x प्लस के 2y, ये जो 120 है ये 0 से बड़ा, यह बात सच है। अब जब सत्य है तो सत्य का मतलब है x अक्ष की ओर हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। पर यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ रेखा कितनी, एक नहीं है, दो नहीं है, कितनी रेखा, तीन, ठीक है, अधिकता होगी। अब तो x प्लस के 2y रेखा कौन सी, यह वाली, इसका मतलब डार्क किधर, किस साइड होगा, x अक्ष की तरफ, और होगा मतलब किधर, मूल बिंदु वाली इस साइड हम डार्क करेंगे। इसका मतलब हम डार्क, हल्का सा पहला सुविधा के लिए क्या लगा लिया, चिन्ह, इस साइड हम डार्क करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें देखना इन तीनों का जहाँ हम डार्क करेंगे वो कॉमन एरिया कौन सा। दूसरे वाले हम चले, इसने कहा असत्य, असत्य का मतलब अब हम एक्स अक्ष की तरफ नहीं जा रहे, अब हम कहाँ सिर मारेंगे, बाहर की ओर, ठीक है। अब भाई अब ये वाली कौन सी, इसका हमने रेखा का वाई मिटा दिया, अल्ले एक्स प्लस के वाई बराबर 60 है, यो वाला इसने क्या कहा, ये असत्य, असत्य होने का मतलब अब ये इस साइड डार्क करूंगी, इस साइड, अब ये बाहर की तरफ डार्क होगा, बाहर की तरफ है, इस रेखा के बाहर इधर होगा, इस रेखा के अंदर होगा इधर, ठीक है। अब तीसरी बार कहा इसने एक्स माइनस के 2y रेखा, यह वाली रेखा, अब यह इसने कहा सत्य, कैसी, इसका मतलब यह डार्क किस साइड होगी, x अक्ष की ओर। अब मुझे जरा देख कर बताओ, यह वाली रेखा, इसका एक x अक्ष, यह इधर होगी डार्क या इधर होगी, सत्य, ठीक है, बताओ कहाँ होगी, या इस साइड डार्क होगी भाई, इस साइड, ध्यान से देखो, मैंने कहा था x अक्ष की ओर, जब बार में मैं x अक्ष पर जोर दे रही थी वो इस वाले इसके लिए। तो अब बताओ ऐसा कौन सा एरिया जो तीनों इसमें हम डार्क कर सकते हैं, ठीक है, तीनों में कॉमन भी होना चाहिए। एक बात तो तुम्हें कन्फर्म होगी, ये वाला एरिया होगा इस साइड, ठीक है, से ऊपर तो नहीं सिर मार रहे हो बच्चा, कहाँ सिर होगा, यहाँ से। अच्छा अब इसने कहा इस, अब डार्क इसका इस वाली रेखा का इधर होगा डार्क, मतलब कुछ तो डार्क यहाँ होना स्टार्ट होगा। अब ये डार्क इधर होगा तो मतलब ये वाला एरिया में क्या हो गया, डार्क होगी, बात कन्फर्म। और वही है, जब हम इस साइड, इस साइड इधर नहीं देखा था जा रहे, तो यह वाले जो हमारा एक्स अक्ष है हम नीचे भी सिर मारने नहीं जा रहे, ठीक है, ऊपर तक ही सीमित रहना भाई, एक ही चतुर्थांश में सीमित रहना, यो नहीं है, तुम इसके नीचे सिर मारने जा रहे, यहाँ कुछ नहीं करना, नीचे नहीं करना डार्क, यहाँ नहीं करना, बस यो इतना डार्क हो गया, हो गया डार्क, दिख रहा है डार्क। तो यो वाला कौन सा एरिया होगा, अपना कॉमन एरिया। अब इसके मूल, आप बिंदु बता सको, आपके कोणीय बिंदु कौन कौन से बने, बताओ। अच्छा बस चार बिंदु बनने होंगे, तो आप कौन से स्टेप पर पहुंचे, अब स्टेप जब हम पांच पर चलेंगे तो हम क्या बनाओगे, सबसे पहले अपनी सारणी से बना दिया, तो यहाँ से इधर हम क्या लिखने वाले, बताओ, इधर हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, मतलब कौन कौन से कोने हैं जो उस डार्क क्षेत्र से रिलेटेड कर रहे होंगे, अपना कोणीय बिंदु हम यहाँ लिख देंगे, इस तरह हम क्या लिखने वाले अपना। अच्छा मुझे देख कर अपना उद्देश्य फलन बता दो, जेड से का मान क्या था, बताओ, जेड बराबर क्या दे रखा, जेड बराबर दे रखा आपको 5x + 10y, यो दे रखा, और तो कुछ नहीं दे रखा किसी को। पहला तो हम कोने बिंदु लिख लेंगे कौन कौन से मैच कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कोने बिंदु, एक तो ये रहा, तो h का यहाँ कौन सा, h कौन सा बोल लो अपना, 40, 20। दूसरा क्या है अपना, जो i है वो कितना अपना 60, 30। अच्छा और क्या दिख रहा, ये दो तो दिख रहे, दो भी हो रहे हैं। अच्छा ये कौन कौन से बताओ, एक तो d है वो कितना अपना 60, 0, एक लास्ट वाला ये वाला वो कितना 120, 0। अब हम क्या कर रहे थे भाई, अगर हम अब हम इसमें क्या रखा आपको, इसका अधिकतम मान निकालना, इसका कैसा मान निकालना, न्यूनतम मान, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। अब हम क्या करेंगे, जो 40, 20 है एक बार इसके साथ फिर से भरेंगे, फिर एक बार, फिर ऐसे भरते चलेंगे, ठीक है, हम पागलोली हैं, भर्ती पागलों के समय भर्ती होने वाले हैं, अब और कुछ नहीं। अब यहाँ 5 है, अब मुझे बताओ जब यहाँ 5x के साथ 40 के साथ गुणेंगे, 40×5=200 हो गए, ठीक है, फिर प्लस हम यहीं ऐसा लगाओगे, यहाँ 100 की जब आप इसमें करोगे कितना आ गया, 200 कितने हो गए अपने 400। इसकी तो बात मतलब समझ में आ गया, अरे भाई कुछ नहीं है, ये किसका मान हो x का, ये किसका मान हो y का। अब हमने क्या करा, जो ये वाले समीकरण है अपनी, इसमें x की जगह पहले हमने 40 रखा, फिर y की जगह हमने 20 रखा, सबके गुणा करिए और जोड़ दिया, और कुछ नहीं करा। इसके साथ करेंगे, जब भाई हम यहाँ 60 की इसके 5 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 300, तो ये तो 300 आ गया। अब जब 300 की 10 के 30 के 10 के साथ गुणा करोगे कितना आ गया, 300, 300, 300, 600, ये भी 600 हो गया। अच्छा ये वाला करोगे, जब आप 60 की 5 के साथ गुणा करोगे 300 आ जाओगे, इसके साथ तो 0 हो ही गया, तो यहाँ कितना आ गया अपना 300, कितना आ गया अपना 300। इसके साथ जब आप इसके गुणा करोगे 12×5 कितना हो गया 60, और एक पीछे की 0 यारी, मतलब इसके साथ ही सब गुणा करके कितना आ गया 600, पीछे कितना आ गया अपना 0, 0 आ गया तो जुड़ गया।
यहाँ तक मान निकल गए। अब मुझे मैं बताओ इसमें आपको क्या क्या मान निकालने हो, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब मुझे बताओ मिनिमम तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको इसमें, 600। इसका मतलब यो भी, यो क्या क्या समान है, मिनिमम मैक्सिमम, बड़ा मान है ना, यो मैक्सिमम मान है, यो भी क्या समान है, मैक्सिमम। अब जरा इसका मिनिमम मान देखो कौन सा, 300। इसका मिनिमम मान हो गया अपना 300। बस आपको सवाल में यो पता करना कि इसका मिनिमम मान कौन सा और मैक्सिमम मान कौन सा। इसके लिए हमने पूरा रायदा फैला रखा इतना बड़ा इतनी देर से, ठीक है। तो 6 नंबर भी तो एक क्रिमिनल गेम। अब आपको इन्हें बताओ कौन सी वाली बिंदु पर मिनिमम मान, न्यूनतम मान कौन सी बिंदु पर है, ये बताओ। न्यूनतम मान आपका किस बिंदु पर है, न्यूनतम मान है आपका 300 और किस बिंदु पर है भाई अपना, D60.0 पर न्यूनतम मान आप ऐसा करके लिख दोगे। दूसरा आपको क्या दे रखा, मैक्सिमम मान। तो भाई आपका मैक्सिमम मान कितना आपका, 600 है, वो तो बात कन्फर्म है। अब बिंदु ये लिख दो, एक तो बिंदु है आपका भाई 60.30 तथा दूसरा बिंदु बोल लो कितना अपना, B120.0 पर कैसा मान है बताओ, अधिकतम मान। तो भाई जब इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना अपना 60 नहीं 600 हाँ खोलना, ठीक है, 600 इसका अधिकतम मान है, न्यूनतम इसका 300 मान है। यही पूरे आपको सवाल में कह रखा, 9 या 10 सवाल है, 2-3 एग्जांपल है, सभी यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इसे नोट डाउन करो।